फ्रूअर और होइटर, फ्रूअर बिलोटे डामाल्स उन दिनों उन होइटे येत्सी के सिचुएशन नाउ सो होइटे सर रीड द सेंटेंस एंड देन हर कोई एक सेंटेंस बोलेगा ठीक है नवीन जा साइंस फिगर जेक्सिस परफॉर्म प्रोटेंट देयर मेंशन अरवाइटन इन डिंस लाइस्टुम लाइस्टुम्स सेक्टर 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 होइटे 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 Okay, so your sex is present there mentioned. More than 60% people are working in. मतलब क्या डीन स्लैश टूम सेक्टर का? सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र. Yes. Swai. Dortmund is time grossing start. Grossing start. फ्रूअर और होइटे सर होइटे होइटे फ्रूअर वार डॉर्टमुंड एंड डॉर्फ पहले तो नाम था आज हो गया बड़ा सिटी बिट शॉट किंडर आर्बाइट इज फॉरगॉटन किंडर आर्बाइट इज फॉरगॉटन होइटे होइटे पहले तो 12-12 घंटे कम से कम बच्चों को पढ़ाते थे दिस इज या गेफेलिश स्लैश ओके रजा फिया आर्बाइटर हैवन स्ट्रेस पे आर्बाइट्स पेडन में गेन उन काइनेटोशियल पे एयर सिस्टम सही है फ्रूअर है इसका मीनिंग इसका आंसर फ्रूअर व्हाट इज द मीनिंग रजा सर मीनिंग ये है कि जो पहले जो एम्प्लॉइज थे उनके सामने कुछ कंडीशंस हुआ करती थी और उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सोशल सिक्योरिटी भी नहीं होती थी यस पहले था ऐसा ये देखो गलत छप गया है आपने एक स्टूडेंट ने पकड़ ली है गलती बुक की गलती पकड़ ली है फ्रूअर नहीं है ये फ्रूअर होना चाहिए गलत छप गया फ्रूअर ओके यस राकेश और मोहित वन बाय वन फ्यून या सर पहले ज्यादा समय दिया जाता था लेकिन अब कम हो गया भैया इसका टेली के हिसाब से देखते तो 5 घंटे हो गया पहले 12-12 घंटे का पास तो नहीं हुआ आले आले अरवाइटर आवन उन फॉल फॉर दिस रूम फ्यूर उड़े होते हैं ये इसका भी होते हैं सर होते हैं उड़े फ्यूर होते हैं एवरीवन हैज इंश्योरेंस टुडे पहले तो इंश्योरेंस का काम ही था मर गए Dortmund हार्ट 3000 आई मो कॉर्नर फ्रूअर बोलो इसको फ्रूअर 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 Dortmund हैड ओनली 4000 फिलेकिंडर आर्बाइटन इन बैंक बाउ फ्रूअर फ्रूअर या मोहित ओके फास्ट आले मेंशन और आले में चार बाइटन इन बेयर बाउ ऑर्डर बोट चार बाइटन इन बेयर बाउ ऑर्डर देयर स्टाल स्टाल लिंग दूर लिस्टेस इंडस्ट फास्ट आले मेंशन इन रूर गिबीट रूर पोर्ट आर बाइटन इन बेयर बाउ ऑर्डर देयर स्टाल इंडस्ट्री होइट है प्रूवर पर Fruer. Everyone was working there in that industry. Yeah. Ein Arbeit stark dauert mindestens schon mit Stunden. Fruer. Fruer. Fruer.
मींस मिनिमम 12 घंटे काम आज कौन करता है, मेरे को तो छोड़ कर बाकी कौन करता है 12 घंटे काम, या ein arbeitstag dauert mindestens 12 stunden या सो फ्रूअर अभी तो हम लोग 7-8 घंटे ही काम करते हैं, 8 घंटे करते हैं लगभग, नो करते होंगे कंपनियां एक जगह पे तय करते हैं। तो इसमें ओके सर, तो इसमें क्वेश्चन है, ये जो पहला वाला है ऊपर एक्सिस परसेंट, इसमें जो डेयर है ये तो बी मेंशन सर, डेयर मेंस और बी मेंशन होता है, तो यहां पर डेयर क्यों आया सर? ऑफ द ना ओके 60% ऑफ द वीक हां ओके ओके मोर देन 60% ऑफ द पीपल ऑफ द पीपल यस आप कुछ और डिफरेंस बताना चाहो पहले और अभी से, तो जो भी अपन ने पढ़ा है उसकी बेस पे बताओ कुछ, व्हाट वाज द डिफरेंस, जो भी वर्ड यूज करे थे आपने टेक्स्ट में, से समथिंग, वी वार द स्प्रूअर विंस्ट एस होइटर सर, फ्रूअर अरबाइटे से पहले मेंशन इन देयर पाव ऑन द दास डावटे, दास डावटे 12 स्टूडेंट प्रोटार अबर यस देन अबर यस द डावटे एस नोअर फ्यून स्टूडेंट ऑन द जीवन स्टूडेंट होटे होटे के प्लस हाउ सोशल केयर दिशरो ऑन द क्रांकेन ऑन द क्रांकेन कौन पास हुए जैसे रूम आओ जिंदा फाइट है आले आर्बाइटर हाबन बंद प्रोवर निश्चित आल्स मेर एक जैक्सिस परसेंट मेंशन जिंदा आपर यस ऊपर जैक्सिस परसेंट टेन मेंशन आर्बाइटन इन लिंस्ट लाइस्टूस जैक्टोर तो दासिस्ट आइंडिशन उन्टरशीड है उन्टरशीड इस ओ या उन्टर अनिल राकेश नवीन फ्रूअर हटन जी श्री श्वेरा बाइट होटे इस पे साइन था कर Bin slash tum se tohon. Yeah. So is this. Okay. Yeah. Lern auf Jats eine Region vorstellen. Hier ist auch kein Englisch. Was, wo, wann. Eine Region. Sie könnten auch eine Region vorstellen. Zum Beispiel, wir haben hier über Ruhrgebiet gehört. Sie können vielleicht auch über eine Region schreiben. Zum Beispiel. In Indien haben wir auch viele solche Regionen. नहीं आपके तो कई सारे एरिया ऐसे हैं उनके इतिहास में जाएंगे तो पता चलेगा इतना सा था भी इतना हो गया सो बाइस पे लुब्रा जेपिया मानेसर फिलाइस उड़ा इन गुजरात के पास फील है पुणे पुणे आऊं ओके
wir wollen einfach sprechen. Hören Sie jetzt mich besser? So, ihr könntet eine Region vorstellen. एक कोई भी रीजन इस बहाने से आपको बोलने को ही मिलेगा. कोई भी एक रीजन ले लो, माने सर, भूजा सर, या फिर मे बी सूरत, मे बी भीलवाड़ा, एनीथिंग, मे बी जमशेदपुर, वो भी काफी प्लांट वहां कोटा टाटा के हैं, मे बी कोटा, कभी तो छोटा रहा होगा, अभी तो क्या हो रखा है वो. सो यू कैन सेलेक्ट a place of your choice, a city of your choice, and then उसके बारे में जो आपको पसंद है उसका कर सकते हो. You have secret heart in client start yet koita assist eine gross start natürlich aber sie müssen das richtig recherchieren. You have to write in detail means and try to find out in the internet कि इस साल में वहां पे इतनी पॉपुलेशन थी और अभी ये है. ऐसा थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा उस प्लेस के बारे में. ये प्लेस कहाँ पे है उसकी आपको ज्योग्राफी बतानी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल आपने जमशेदपुर को लिया, आपने गुजरात में कोई प्लेस को लिया, तो आप बताओ कि ये इधर पड़ता है, ये इस बॉर्डर पे पड़ता है, ये गुजरात के नॉर्थ में पड़ता है, साउथ में पड़ता है, यहाँ पे जनरली किस टाइप की इंडस्ट्री है, ये बताओ कितने लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, कैसे ये मल्टी कुल्टी बन गया है, मल्टी कल्चरल सिटीज कॉस्मोस बन गया, राइट. पहले बस ही रहती थी, आजकल वहां मेट्रो भी चलती है. सो ऑल दीज डेवलपमेंट्स मे बी डू रिसर्च. आज थोड़ा उस पर काम करोगे तभी आप बोल पाओगे. थोड़ा अपनी पसंद का कोई भी. इस तरह ओके क्लास, कल की क्लास के लिए. कल स्टैम्पिश में तो हम गणेश चतुर्थी दे सकते हैं. आई थिंक कल गणेश चतुर्थी है. सो मे बी मैं जानबूझ के अभी ऐसे टॉपिक ले रहा हूँ कि लोग क्या है कि जो चीज होती है उसमें तो बोलना इजी रहता है. लिसन सी देन लर्न टेक्स्ट. मोहित हियर इस मोस्टर यूवर आइन इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज योन रेगियोन डॉयटलैंड इन डॉयटलैंड बेरिस्टन Sie rechnen rein gar das Gebiet liegt in Baden-Württemberg, Rheinland, Pfalz und Hessen. Und Hessen, die Region hat bis 1850 nur wenige ein Wohner, die größte Orte waren damals Mannheim, Heidelberg, Spee, Frankenhall und dort gab es damals Oberalm Land, Frist, Saft und Wein, Weinanbau, Artsensions entwickelt ist die Region. Banken und Industries right unter Neckmann, zum Beispiel BASF, in die Region auch der Ausbau von Schiff. Schifffahrt und Bahnfrachter wirtschaftlichen Aufschwung heute leben in der Region 2-3 Millionen Menschen. 2,3 oder 2,3? 2,3 Millionen Menschen. Okay, nicht 2,3. So, welches Gebiet ist da? Ja, kann ich sagen. Ja, also hier soll man zuerst Fragen stellen. Bedeutung ist, okay, da, wir haben das gelesen, Sie sollten Fragen stellen. Information हमारे सामने है. Rakesh, ask some question and we will try to answer. Was, wo, wann, formulieren Sie wie Fragen.
From this information, you have to frame some questions. Refill mention Leban in their region. Hotel. Okay. Hotel. Perfect. We feel a mention Leban in their region. Hotel. So I come and drive region and mention Leban in their region. Hotel. Perfect. Richtig. Also das war hier eine Frage. Yeah. Next. We check in. Where there is a Fragen stellt. Was darf ich das Pressen, Sir? Ja, natürlich, Fragen. So, was, Mohit, was müsstest du in Deutschland berichten? Nein. Hier, zuerst. Zuerst sind wir hier. Wir bleiben am Text. Das geht. Here, there are so many informations. In die Information se question nikal rahe. Hanko question nikal mein aa rahe hain kya, wo test hai isme. Wo is okay, the region Rhein Neckar. Okay, there is a question from Naveen. Wo is the region Rhein Neckar? Yes, sir. Okay. Say wo is the region Rhein-Neckar or wo befindet sich the region Rhein-Neckar? Yeah, wo liegt the region Rhein-Neckar? Yes, you can also say wo liegt. Yeah. Who will answer? Meaning yes, is same. The region, yeah, das Gebiet liegt in Baden-Württemberg. Rhineland Park. Hessen. So Württemberg, Rhineland-Pfalz und Hessen means three states ka part hai usme. It's not just a small one. It's good, big enough. So das Gebiet. Ye regions waise hi bane hai jaise koi bol de ki Sekhawati. So teen district ko mila ke bana diya. Aise hi Wagad. एक एरिया नेक्स्ट फ्राग है बेटा वास इज टू दी रेगियन राइन नेकर वास इज टू दी रेगियन राइन नेकर वास इज दी रेगियन राइन नेकर यस सर Und die Antwort? Was? Industry Region. Es ist eine Industry Region. Okay. Yes, aha. Was für Region? Okay. Es ist eine Industry Region. Next Frage. Mm-hmm. Welche großen Orte waren damals? Will say Groschen Orte waren damals. Damals Mannheim, Heidelberg, Speyer, Frankfurt und Weinheim. Weinheim waren die größten Orte. Ja. Next. Wie viele Einwohner arbeiten in der Region? Noch einmal. Wie viele Einwohner arbeiten in der Region? Wie viele Einwohner arbeiten in der Region? Wenige. Wenige. Wo
Vor über möchten Sie berichten? Ich möchte über ein Hanau. Okay. Berichten, vor über möchte Leonard Petri berichten. जी कब तो हमसे थोड़ी पूछ रहे हो, ये लेडी कर रही है ना, ये लेडी बोल रही है कि टुडे आई वुड लाइक टू रिपोर्ट अबाउट वन इंडस्ट्री. सो आप बोलोगे वोर यूबर म्योस्टे लेनर्ट पेट्री बेरिस्टन, या वोर यूबर. गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस. वोर यूबर और यूबर डेमोस्ट्रेट डारिंगटी पैट्री इन दो एचनान पेरिश से पेरिस्टन म्योस्टेट नहीं म्योस्टे म्योस्टे इन दो एचनान पेरिश जो पर आयनक इंडस्ट्री रेगियोन इन आफ्टर 100 फिल्म्स यारे वास व्यूड हाउस हाउस चार्लिश एंड गिव आउट हाउस हाउस जेस्लिश सर एक क्वेश्चन है आप वेल सो दाइन आंसर आप वेल मोमेंट मोमेंट एयर हार्ट एंड फ्लावर के बिस्तर आलम लैंड विट शाफ्ट उंड वाइन वाइन आउट में ओके सो दामाल्स डोंट गाबेस दामाल्स for alam land wirtschaft und wine anbau so damals gab es so was gab es damals was für industrien gab es damals im gebiet was für the kind of what kind of es gab for alam land wirtschaft und wine anbau okay jetzt bitte ja raja Es gab vor allem Landwirtschaft und Weinanbau. Khiti and wine. Okay. Jo war es? Ja. Weinbau kya hota hai sir? Haan? Weinbau kya hota hai? Weinbau ka matlab angur ki kheti. Grapes. Angur ki kheti. सर इसमें ये जो है आप इसमें टेक्स्ट है आप ऑक्सन हंडर फिल्म से उसका अगर क्वेश्चन बनाते हैं कब से विकास शुरू हुआ क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसका अब वन आप वन वन जैसे कोई बोले जाइड स्वाई आर तो जाइड वन और अब वाले के इसमें अब वन ओके 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 सर एंड हियर हवन वी राइगेटलिस ड्राई बिग्रीफ है उनके जोड़ते नुआ शू ओटनन देर अरबाइट शन फार आप ऐसे से अरबाइट शन फार आप ऐसे वी हवन ड्राई बिग्रीफ है देर अरबाइट शन फार देर बिरूफ स्क्रांखाइट उन देर वेद उन फार auf dem Weg von und zur Arbeit. Klar. Und die Berufskrankheit? Eine Krankheit, die von Beruf kommt. Okay, eine Krankheit, die von Beruf kommt. Ja. Richtig. Okay. Ja, von Beruf kommt, bekommt man solche Krankheit. Okay. Richtig. Also durch Hitze oder Lärm. Durch Hitze oder Lärm bedeutet zum Beispiel, es gibt immer wieder Maschinen und dann man hört immer wieder laute Geräusche und dann wird man vielleicht irgendwann also gehörlos. Gehörlos bedeutet? So
सुनना बंद नहीं किया सुनने में प्रॉब्लम आए मान उधर जी के उन जागन मान हियर्ड इमर्श्वेरर ऊंचा सुनने लगे इमर्श्लेस्टर का मान जागे इमर्श्लेस्टर या ओके मान लो कोई बंदा है जोर जोर से बोलता है उसका काम यही है और लगातार जोर जोर से बोलने से गले को क्षति पहुंची तो ये एक तरह से क्रांकहाइट विरूप क्रांकहाइट बोला जाएगा उसको ठीक है कोई आदमी काम करते करते वहां पे मिस्त्री काम करता है और आंख लीवर वो लगा के करते हैं ना आंख का वो चश्मा लगाना पड़ता है नहीं तो आंख से निकलती रहती है बिल्डिंग सो मान विड फ्लैश ब्लिंक विरवाइज विन मान दस रिस्टिशनिस्ट आज दी आउगन शुट्स ओने ब्रिल है शुट्स ब्रिल है दाफ्यू ब्राउकमन शुट्स ब्रिल है अवर विन मान दस निस्ट ट्रेक टोड दन वेर प्रॉब्लम दस वेर प्रॉब्लम आर्टिश ओके हिया Arbeit schon fall, Wege und fall und Berufskrankheit. We will read one by one and fifth. देखेंगे कि इनमें से कौन सा है या मे बी अमोहित ट्राई फर्स्ट जाओ लिंडर लिंडनर लिंडनर स्टोल पेल्ट ऑफ देम आई एम वेग उंड पेरिस्ट ब्रिस्ट ब्रिस्ट जिस पास रेस्ट रेस्ट है हांड हांड ग्लेंग गेलेंग गेलेंग सो फ्राउ लिंडनर स्टॉल पार्ट ऑफ देम हाइमवेग और ब्रिस्ट जिस दस रेस्ट है हांड गेलेंग सो बताओ ये किस चीज का एग्जांपल है वेगनफाल अर्बाइट्सनफाल और बेरूप्सक्रांकहाइट वेगनफाल का मतलब हो गया रास्ते में जब आप ऑफिस जा रहे हो या ऑफिस से आ रहे हो उस दौरान कोई एक्सीडेंट होता है तो आपके प्रोफेशन के कारण ही हुआ एक तरह से सो द फ्राउ स्टॉलपर्ट ऑफ द वेग दैट इज द वेगनफाल या ओके नेक्स्ट से उसको कम सुनने लगा तो एक्सीडेंट थोड़ी हुआ यू कांट से उनफाल बट या दस इज बिरूप्स क्रांकहाइट ओके रजा राइट हियर माय मान स्टोल दैट इन यूरोम बैलेंस्ड इज श्वेराम सो यू कैन आरबेट फॉल Arbeit schon fall. Okay. Yes, sir. Dann A. Genau. Also am im Büro, am Arbeitsplatz hatte ein Problem. Also stolpert, pissen die an, geht die an. Und fall hier. Laut und klar. Frau Pfeiffer hat auf dem Weg ins Büro einen schweren उनफाल
Hand killing. What is hand killing? Beg. First. Kalai, hath ki kalai. Yeah, sir. Kalai, wrist. Kalai, wrist. Kalai, okay, wrist. Yeah. Both shots. Here. And okay, far melden. ये जो वर्ड्स हैं इस तरह के गिफार डेंजर आपको रिपोर्ट करना होता है. सपोज आपकी ड्यूटी लगा रखी है यहाँ पे हजारों लोग काम करते हैं तो जब बड़ी कंपनी होती है तो कई इस तरह के काम होते हैं जो मान लो हजारों लोग काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि दो पांच लोगों को तो इसी बारे में काम दे रखा है कि सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना है. एक बंदे का तो यही काम है कि सब जगह कहीं भी कुछ गिर जाए नहीं. कंपनी पे डिपेंड करता है किस टाइप की कंपनी है. कहीं मान लो आग लगने का खतरा रहता है कंपनी में तो एक बंदे को इसी तरफ से ध्यान रखे वो ये देखता रहेगा कि कहीं पे कहाँ कहाँ आग लग सकती है. मान लो कंपनी में तेल वगैरह का काम है तो भाई कहीं तेल बिखरा हुआ तो नहीं है. आदमी पिछलेगा तो उसका ध्यान यही है कि कहीं मिल जाए कुछ भी तो उसको तुरंत साफ कर दो. तो इस तरह के अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है बहुत सारी तो भाई ध्यान रखना है ऊपर से कोई टक करके हिल नहीं जाए ना. सो आई ने गिफार मेल्डन. गिफार का मतलब है डेंजर. यू रिपोर्ट तो गिफार मेल्डरिन इस तरह की पोस्ट निकाल देते हैं कि कोई भी दिक्कत होगी तो अटेंटिव करेंगे लोगों को बताएंगे. फोर जस्टिस जाइन मीन्स केयरफुल. यार टू बी केयरफुल. आई एम केयरफुल अबाउट इट. इट्स बीन फोर जस्टिस इश्मा खालिस. For justice, I do everything carefully. Yemand Stolpert means? Thokar khana, pishanna, slip hona. Yemand felt him. Felt him ka matlab gira. Usme ka thokar hi khai, usme gir bhi gaya. Felt him, him fallen. Him fallen. Dur taraf gira. Should slide on? शुट स्लाइड ऑन किसको बोलेंगे? शुट स्लाइड ऑन. व्हाट इज शुट शन? शुट शन तो सेव होता है सर मतलब प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन ना जैसे अभी पिछले दिनों कोरोना का बड़ा माहौल चल रहा था तो ये डॉक्टर लोग क्या पहनते थे? पूरा किट ही आता था. पूरा किट पहन के एकदम वाइट वाइट सा आप देखो ये क्या है भूत है क्या? तो इतना सारा भारी वजन वही लेके चलते थे वो. सो दैट इज शुट स्लाइड ऑन. किचन में काम करते हो आगे लगा के उसको भी कह सकते हैं शुट स्लाइड ऑन ना. उसके लिए वर्ड अलग आएगा. चश्मा लगा रखा है स्पेशली लेकिन ये चश्मा वो नहीं है दिखने वाला. पूरे दिन आपको बिल्डिंग करनी है तो वो वाला चश्मा अलग ही है. सो उसको बोलेंगे शुट ब्रिल है जो आपको प्रोटेक्ट करे प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल. अनसियन टू वियर शुड स्लाइड ऑन. अनसियन ऑफ पैशन टू फिट टू पे अटेंशन. ओके ऑफ पैशन. आई ने शुड स्पील ए त्रागन टू कैरी Safety glass. Safety glass. Achtung, gift. Look out. Achtung means attention. Attention. Gift means poison. कि यहाँ पे poison है attention. अब दवाइयों का इस तरह का काम होता रहता है वहाँ पे तो poison ही है वो और क्या है? अलग-अलग तरह के drugs वगैरह हैं कौन सा किस में रखा हुआ है कहीं पे chemicals है तो बताना पड़ेगा लोगों को कि भाई नाता डालना. इन हैक्टिक जाइन वी इज इन ऑल इन हैक्टिक. हैक्टिक जाइन मतलब अफरा तफरी में जल्दबाजी में. हैक्टिक सर हैक्टिश भी एक शब्द होता है सर. वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव है. ये नाउन है.
It's been in hectic. Yes, it's been in hectic. Er macht alles hektisch. उसी की तो बात करिए. ये नाउन है, वो एडजेक्टिव है, हेक्टिश मीनिंग है. हाँ, इन हेक्टिक माखन और एयर माख आलस हेस्टिश हेक्टिकली एक तरह से जल्दबाजी पे. इन हेक्टिक जाइन एयर स्टीमर इन हेक्टिक शूट्स हंड शू है हैंड ग्लव्स प्रोटेक्शन ग्लव्स सेफ्टी ग्लव्स सेफ्टी ग्लव्स अंदर ऑफ गिफार हिनवाइजन हिनवाइजन मीन्स टू गिव सम हिंट इंस्ट्रक्शन देना. जैसे ये सारे वर्ड हमको एक जगह मिलेंगे जहां पे कुछ इस तरह की फोटो थी. मोमेंट ऑक्टोपस या हियर मिलेंगे सारे वर्ड. Achtung Sturm, Warnhinweise und Arbeitsunfälle. Warnhinweise, Hinweise का मतलब है hint, instruction. Warn का मतलब है warning, warning instructions. तो ये आनी चाहिए, कोई warning दे तो समझ तो जाओ. Passenger placard, placard मतलब इस तरह के posters वगैरह लगा के रखते हैं वो. Schilder, placard, placard बोलते हैं generally जो कागज का पोस्टर टाइप में सर वो छोटा एडवर्टाइजमेंट देते हैं सर वो अखबार में छोटा अखबार में देते हैं उसको तो बोलेंगे हम लोग अनसाइज़ है. अनसाइज़ तो एडवर्टाइजमेंट होगा छोटा एडवर्टाइजमेंट छोटा भी हो सकता है. प्लाकार्ड का मतलब पोस्टर है. अब वो किसी भी टाइप का हो सकता है, पोस्टर छोटा भी हो सकता है. पोस्टर होर्डिंग वगैरह कह सकते हैं. यस जी जी. जिसने शिल्डर, शिल्डर का मतलब है एक तरह से ये जो जगह जगह पे लगे रहते हैं ना संकेत चिन्ह पुलिस वालों ने लगा रखे हैं. हाइलाइटर शिल्डर यस साइन बोर्ड्स टाइप में या छोटे छोटे जो भी ऑन फ्रेंडेंसी आइन असेंबली प्लाकार्ड. सो ये सारे शिल्डर हैं अलग अलग. आक्टुंग स्टॉर्म तो इस तरह का निशान होगा. तूफान आएगा भाई समुद्र के किनारे लगा दिया. आक्टुम गिफ्ट डेंजर पॉइजन का पॉइजन का डेंजर है. आक्टुम का मतलब ही अटेंशन आपको अटेंटिव कर रहा है कोई अटेंशन. अब भाई किस चीज से कर रहे हो ये तो बता दो. तो यहां तो स्टॉर्म से कर रहे हैं तूफान से. यहां गिफ्ट है पॉइजन है. आक्टुम लाजर लेजर लेजर किरणें चलती रहती है वो सोनोग्राफी वगैरह वो था उसमें. आक्टुम केल्टर केल्टर का मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा कॉल्ड जो बर्फ जम जाती है ना पत्थर की तरह दैट इज केल्टर. आक्टुम अबस्ट्रुट्स अबस्ट्रुट्स गिर मत जाना सीढ़ियों से गिर मत जाना और इधर स्टॉल पर पिसल मत जाना ठोकर मत खा जाना. और फायर गेफेरलिश फायर फायर ब्रिगेड ब्रिगेड नहीं गेफेरलिश डेंजर फायर का खतरा फायर का खतरा. यस यस आपका खतरा यस. सो दस इन उंटरशिप्लिश है वार्न हिनवाइज है दे आर वार्निंग हिंट्स और दिस पीपल आर एक्चुअली they actually warn people they warn people they are specially for this purpose only they are recruited. इनकी पोस्ट ही इस टाइप की है. बहुत तरह के होते हैं प्रोफेशन
बहुत तरह के प्रोफेशन होते हैं, लोग कुछ कुछ प्रोफेशन तो ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं। बैट चेकर एक प्रोफेशन, आदमी क्या है कि बिस्तर जो बेचते हैं बैट, आदमी सो सो के देखता है, वही एक काम है उसका। कोई भी आएगा देखने बैट चाहिए हमको सो, तो वो आदमी का वही काम है, वो जॉब है उसकी, वो हर एक पे सो के देखता है, बताता है उनको कि देखो बढ़िया है, तो है बढ़िया काम जो क्या पता नहीं आपको, और भी पता होंगे इंटरेस्टिंग प्रोफेशन। एक प्रोफेशन ऐसा है आज जो मान अर्बाइटेड आज जर्नलिस्ट अवर्धन एक विजुक्त रेस्टोरेंट है उन ईस्ट क्रिटिकर आज जो क्रिटिकर एक स्ट्राइक टाइग इंग्लिश क्रिटिश सो सब रेस्टोरेंट में जा जाके खाना खाता है और फिर आर्टिकल लिखवाता है, तो रेस्टोरेंट वाले को लगता है यार खराब नहीं लिखते मे बी सो एस्केप इंटरेसेंट है उन हियर गिफ्ट साउ खानी गए जीज इन गिफार मेल्डर उन इश्बिन स्टॉल्पर फालर रॉयमर आजो स्टॉल्पर फालन रॉयमर स्टॉल्पर फालन रॉयमर का मतलब है कोई भी चीज जिससे ठोकर खा सकता है आदमी पिसल सकता है उसका साफ करने का ही काम है इसका। अब वो मशीन से करे पोछे कैसे झाड़ू पोछा क्या करे, जनरली आजकल तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है बटा सेंटर हो गया। इसमें परजुनाल परजोडन शूट सरिंज सो प्रोटेक्टर शूट सरिंज फिलाइज आज फ्रॉम फायर और वालिश माइन लेबन लीबर ओके दस दिन ऑन प्लाकार्ड आएगी क्रिश ये सब पोस्टर है एडवर्टीजमेंट हो रहा है ना सो जी हाइशन प्लाकार्ड है दीज आर पोस्टर्स इश्बिन गिफार मेल्डरिन गिफार मन जोल रहे दन जो बीच आप ऑफ मैक्सम आर बाइटन इस बीच में भाई रिस्क है भूल मत जाना तुम कहाँ चल रहे हो मन फर्गिस्ट गिफार मेल्डरिन कई बार क्या होता है ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं नीचे वालों को थोड़ी पता है ऊपर काम कर रहे हैं सो देर शुड बी समवन वो तो वैसे ही मान लो धुन में चल रहे पता चला ईंट आके गिरी सिर पे अरे मान जोड़े मिनिस्टर डिवेंशन श्राइब नाओ कबर ट्रोच लेन इन एमएनसी हैवन जी आउट डन जोल से आज जो सो माय स्पिरिट ट्यूअर स्टे आर और या मन ब्राउट व्हाट इज ट्यूअर स्टे आर ट्यूअर स्टे आर बाउंसर बॉडीगार्ड ना बाउंसर क्या जॉब है उसकी वॉस माखन दी ट्यूअर स्टेयर क्या करता होगा एक बाउंसर कनेक्ट नया मतलब कोई भी मतलब सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं उनका मतलब कनेक्ट नया आगे मतलब व्यवस्था करना आगे जाके सबसे बाउंसर ना कहाँ जरूरत पड़ती है रजा अनिल बाउंसर की कहाँ जरूरत पड़ती है Und ich habe gehört, dass in einigen Discos haben Sie auch Bouncer. In Disco. Yes, sir, genau. Ja, und yes, man ist da. Also man macht nicht, aber trotzdem, die anderen wissen schon Bescheid, wenn ich was hier falsch mache, dann werde ich gekickt. Okay, das ist automatisch ein Signal. Ye khada hai yahan pe. To andar bhi mereko vyavastha tarike se nachna hai. Right? Aise thodi hai. So, in der Bankauk, manchmal, also sie sind dann, okay, Wäscher, Guard, okay, ja, kann man sagen, richtig. So, das ist dann interessant, wirklich, so interessante Berufe gibt es da. Adjektiv Nomen und Nähe beschreiben, ohne Artikel, in schlechten Zeiten. So, again,
in Schleswig Zeitung. What's your adjective? One article. Schwischenden, Kleinen, Füßen. Adjective. Das ist einfach 72. ये बोल रहे हैं कि आपको एडजेक्टिव कहीं भी दिखे तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर जाते हो क्या कि वो कौन सी कैटेगरी का है, मतलब वो ओन आर्टिकल है कि बेस्टिम्ड आर्टिकल का फंडा लग रहा है उसमें कि उन बेस्टिम्ड आर्टिकल का फंडा लग रहा है, पता चलता है कि आपको सर इन स्लेस्टन साइटन. Do you understand it is without article? Yes, sir. One article. Yes. Oh, then. We haven't here weder ein eine noch der die das. Weder noch matlab na to ein eine hai na der die das hai. It means third category. One article. Sir, ya to usme preposition wagera hogi ya kuch nahi hoga matlab. Baat article ki hai na. एडजेक्टिव एंडिंग के टेबल तीन ही तो है, तीन ही है. एक है डेर दी दास वाली, उसको बोलते हैं बेस्टिम्ड आर्टिकल. एक है आइन आइने वाली, तो डेर वाला नहीं हो, आइन आइने नहीं हो तो क्या है वो नहीं, फिर वो ओ नहीं है, ओन आर्टिकल है ना. तो इसमें देखो ना तो डेर दी दास दे रखा ना आइन आइने दे रखा, सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग ओन आर्टिकल. एंड हियर एडजेक्टिव श्विशन डेन क्लाइन एंड फ्यूसन. So then, if before adjective you see der die das, it means bestimmt. Und so hier nach unbestimmten Artikel ein neues. So ja, ohne ja unbestimmt. Unbestimmt. Yes. So वो ये कह रहे हैं कि जब भी इस तरह के टेक्स्ट में कहीं आए तो आपको बताना है. वो एक और था इस तरह का, उसमें देख सकते हैं अपन. जस्ट वेट, ये रहा, इसमें देख के बताएंगे हम लोग. इसमें नहीं, ये तो करा हुआ है हमारा. एक एडजेक्टिव वाला जो ग्लास खाता है वो वाला कर रखा है क्या अपन ने? ग्लास खाने की कोशिश करता है एक बंदा. हाँ, बहुत तरह के हैं इस धरती पे ग्लास खाने की कोशिश. ये देखो, इसमें देखेंगे अपन कि कौन सी कैटेगरी का है वो. ठीक है, हम कर चुके हैं क्या? यस सर, पहले वाला नहीं किया, जो पहले लगाया था वो नहीं किया. अच्छा, इससे पहले दिखाया था वो नहीं किया था क्या? ओके, ये कर चुके हैं. ठीक है ऑलराइट. आई थॉट वो खड़ा है. यस, ये नहीं किया. सो इसमें भी एडजेक्टिव होगा तो इसी में हम ये भी देखेंगे साथ में कि जो भी एडजेक्टिव आ रहा है वो कौन सी कैटेगरी का है. ऑल्दो इसमें हमको एडजेक्टिव की बजाय नाउन की स्पेलिंग ठीक करनी है पहले. तो देखो, चाय गिर गई साई, तो कुछ तो गड़बड़ हो. इस तरह का भी काम होता है. मैंने जर्मन सीखने के बाद में पहला जो काम किया था ना एक कंपनी में, मेरा काम था, मैंने केवल B1 किया था जब तक. पहला जॉब मुझे मिला हैदराबाद में, डेर स्पीगल जर्मनी की मैगजीन है, डेर स्पीगल, अपने इंस्टीट्यूट में भी दिखती होगी आपको, डेर स्पीगल मैगजीन, देखना. सो डेर स्पीगल मैगजीन का काम ले रखा था किसी हैदराबाद की कंपनी ने. तो डेर स्पीगल के लिए तो नहीं करते थे हम काम, हम तो उस कंपनी के लिए करते थे बेगमपेट में हैदराबाद में. कंपनी का नाम था बोध ट्री कंसल्टेंसी. अपन को तो उससे क्या मतलब, अपन को तो भाई तनख्वाह मिल जाए, नई नई जॉब लगी है और काम जर्मन का मिल जाए, और क्या चाहिए. सो वहां पे उनको पहला ही काम ये मिला था, प्रूफ रीडर. उसमें ये सब था. उसमें क्या, वो मैगजीन 40 साल पहले छपी थी, वो अब हो गई, तो अब उसको सब डिजिटलाइजेशन हो रहा था उसका 2008 में. देखो कितना जल्दी कर रहे थे ना, 2008 में डिजिटलाइजेशन कर रहा था मैं उसका. सो मेरे को काम दिया गया
कि ये मैगजीन के पुराने आर्टिकल्स वगैरह हैं, तो किसी में कुछ उड़ा हुआ है, किसी में ईआर उड़ा हुआ है, किसी में आईएस उड़ा हुआ है। तो भाई ईमानदारी से बताऊं, मैं तो भगवान भरोसे करता था, अंदाजा तो था मुझे, राइट, वोकैब भी इतनी स्ट्रॉन्ग था, बट आगे पीछे आर्टिकल वगैरह का रहस्य तो पता चल ही जाता था, बट कोशिश तो यही करते थे, ठीक ही था मामला, ठीक ही किया था। क्या बातें करते हो देवकर, कैमरे पे। ओके, सो हियर बस Schwerer, Autounfall by Mülheim, DPA, Deutsche Presseagentur, German Press Agency, der Film Preis, ये रीगे। So, साथ में आप ये भी बताते चलोगे जो भी एडजेक्टिव आएगा कि विच कैटेगरी, बेस्टिम्ड, अनबेस्टिम्ड, ऑन इट, बेस्टिम्ड, आर्टिकल, ठीक है, सो हियर ये रिग है बेस्टिम्ड बिकॉज ऑफ दिस देयर फियर ऑन प्राइसेस, ये रिग है Deutsche Presseagentur, ये जर्मन प्रेस एजेंसी है, जैसे कोई भी अखबार में आप कभी कभी न्यूज देखते हो तो एजेंसी जहां से उन्होंने खबर ली है लिखना पड़ता है, पीटीआई, पीटीआई हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी ना, इस टाइप का। सो डीपीआ देयर फियरन राइसिस यरिगे बैंक काउफमान मार्कुस एम आउस डुइसबुर्ग वुडे गेस्टर्न ऑफ देयर ऑटोबान, होता क्या है भाई रोड ऑटोबान सर, ऐसे बस हाईवे, हाईवे इसको बोलते हैं, हाईवे एग्जैक्टली, ऑटोबान इज हाईवे, ऑटोबान। सो आफ्टर ऑटोबान आफ फियरम फियरसिस, जैसे अपने एनएच 11 वहां इस तरह से चलता है, आफ फियरम फियरसिस बाय म्यूलहाइम म्यूलहाइम सिटी ऑफ देम नाक हाउसवेग फोन आइनर जो फॉइस्ट फ्रोलिशन फिरमन फायर श्वेर फरलेक्स्ट नमी इसको बोलते हैं अनबेस्टिम्ड फिरमन फायर नमी तो ज्यादा पी लेता आदमी तो नमी हो जाती है, वो वाला है इसका मतलब, नशे में चूर, नम नम हो गया ना नशे में चूर, हाँ हॉइस्ट फ्रोलिशन फिरमन फायर, ये पट्टा अच्छे से पी के फिर गाड़ी चला रहा होगा। सो बाय म्यूलहाइम ऑफ देम नॉक हाउस अवे गोइंग बैक फ्रॉम द पार्टी enjoyed well and then going back von einer कहाँ से जा रहा था फॉइस्ट फ्रोलिशन फ्रोलिस हैप्पी मोर फॉइस्ट नम हो चुका हो फिरमन फायर श्वेर फर्लेस्ट एयर वार मिड एम नॉइंग डिंस्ट वागन उंटरवेक्स ऑफिस की गाड़ी है वो ऑफिस की गाड़ी न्यू सर्विस आल्स देयर ट्रैगिश अनफॉल So, tragical accident, dukhat. Bestimmt. The tragisch Unfall passiert, der junge Fahrer. Der junge Fahrer des anderen Wagens musste mit dem Jodlischen Rettungs Hubschrauber in the 100 axis kilometer length Fernten and Fernte clinic yeah in Bochum transportiert werden yes एक्टिवेट होगा ना सर लास्ट में ही दी या दस इंच बेस्टिम्स
while reached here. Trishtish. Mit dem Jotlischen bestimmt. Der Junge bestimmt. Der Tragische bestimmt. Mit dem Neuen bestimmt. Von einer unbestimmt. Auf dem. Nein. Hier gibt es keinen Adjektiv. Das ist Nomen. Okay? Gut. Ja, hier auch. So. Verkäuferin. Bei Hilfaktion. Verletzt. Hilfaktion verletzt का मतलब है कि किसी की हेल्प करते हुए खुद इंजर्ड हो गई. Verkäuferin. Essen. खाना है क्या ये? Necessity. Yeah. So, die Zibarungsfirs ist sehr rege. Bestimmt. 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 Verkäuferin. Marta. Marta gay. Marta gay. Aus Essen. Aus Essen. Wollte gestern gegen 15 Uhr bei der Arbeit in einem großen Supermarkt. In der Marktstraße einer alten Dame helfen. Okay. Einer alten, unbestimmt. Helfen. Und brauchte schließlich selber Hilfe. Finally, means she was trying to help an old lady. और उसको स्लेश लिस्ट फाइनली खुद को हेल्प की जरूरत पड़ गई. जी स्टॉलपेट है यू बट इन गेस्टॉक. गेस्टॉक मतलब लाठी. वो गेस्टॉक जो है उसकी लाठी या फिफ्थ न्यूटन गेस्टॉक देर डाम उन फील गेगन एन श्वेरस रिगाल. श्वेरस रिगाल एन श्वेरस अनबेस्टिंड. रिगाल का मतलब है कोई हैवी सी वहां सेल्फ पड़ी थी. हाँ, जैसे बुक सेल्फ टाइप में ऐसे कुछ उसके जाके भरी वो सेल्फ कुछ भी हो सकता है. मार्टा गे वुड मिट लाइस्टन कफ फॉर नेट सुंगन उंट आइनर टीफन अनबेस्टिम्ड. Schnitt Wunde am Arm ins Krankenhaus gebracht. Usko laya gaya. So war es. Wie ist das? Schnitt Wunde? Schnitt Wunde का मतलब घाव. कट लग गया ना. Okay. कट होने से जो घाव हो गया. Schnitt Wunde. Am Arm हाथ में. और उसको ट्रांसपोर्ट मतलब किया गया क्रांकन हाउस किसी हॉस्पिटल में लेके आया गया उसको. ओके. जो हाउस ऑफ गाबे स्वेस्ट नेमन वियर हाउस ऑफ गाबे ह्योरन फोन दीजे लिखियो या दस वेरे बेसर वी जोल्टन फ्लाइस्ट ह्योरन फोन दे लिखियो. एक तो आपको